यार भोसड़ी वालों, इतने दिन हो गए, कोई कमेंट नहीं, कोई डीएम नहीं, कुछ नहीं, क्या चल क्या रहा है? हाँ यार, तुम लोग याद क्यों करोगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूं मैं। खैर, अब हम लोग बात करेंगे 777 चार्ली की, जो कि अपकमिंग एक पैन इंडिया मूवी है। ये कन्नड़ा मूवी है, लेकिन उससे पहले हम लोग को मुद्दे से हट के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में एज इंडियंस हमको जो मेन मुद्दा है उसको साइड में रख के जो फालतू की चीज है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड की। देखो यार, मेरे दोस्तों बोलते कि भाई बॉलीवुड की एक मूवी आने दे तो तू सारी की सारी साउथ की मूवीज भूल जाएगा, जो जितनी तू तारीफ करता है। तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि भाई, दूर दूर तक मुझे कोई भी ऐसी बॉलीवुड की मूवी नजर नहीं आ रही है जो टक्कर दे सकती है आज की तारीख में। पृथ्वीराज चौहान मूवी की बात करें तो वो 100% फ्लॉप होगी, क्योंकि उस मूवी में जो मेन एक्टर है उसी को गलत कास्ट किया है। पहली बात तो वो पृथ्वीराज चौहान के रोल में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और मूवी कैसी होगी वो तो देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन एक्टर्स बहुत मेन होते हैं किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और एक्टर्स और कैरेक्टर का जब मिलाप अच्छे से होता है तभी जाके वो मूवी भी अमर होती है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। उसके अलावा भूलभुलैया 2 की बात करो तो वो भी भाई मुझे नेक्स्ट डिजास्टर ही नजर आ रही है, अब देखते हैं रिलीज होने के बाद। उसके अलावा जो दूसरी अपकमिंग मूवीज है वो तो सारी की सारी रीमेक ही है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े एक्टर हो। तो फिर क्या हो सकता है बॉलीवुड का? और ऐसे में साउथ इंडस्ट्री, जिसको पहले लोग साउथ इंडस्ट्री बोलते थे, फिर रीजनल सिनेमा बोलने लगे, अब गांड फट गई, तो अब उसे एक्सेप्ट कर इंडियन सिनेमा बोल रहे। इससे पहले तो वो लोग इंडियन सिनेमा नहीं बोलते, तो वो लोग को इतनी इज्जत भी नहीं देते, लेकिन आज हवा का रुख बदल चुका है। आज हम लोग बात करें कनाडा मूवी जिसका नाम है 777 चार्ली, जो कि हिंदी में भी रिलीज होने वाली। इसमें नजर आते हैं रक्षित शेट्टी, जिन्होंने अवन श्रीमन नारायण के बाद एक तहलका का भूचाल, भवाल, भवंडर सब कुछ लेकर आ चुके थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी ही ये मूवी है 777 चार्ली, जिसके अनाउंस के वक्त मुझे ऐसा लगा था कि यार ये क्या हो गया रक्षित शेट्टी को, अचानक ये कैसी मूवी कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने इसका ट्रेलर देखा है, ट्रेलर को देखते दौरान आंखों से आंसू आ गए, और लिटरली जब मूवी देखेंगे तो भाई क्या होने वाला है उसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मूवी में वो सब कुछ डाला गया है जो एज इंडियन ऑडियंस आपको देखने में मजा आएगा। सबसे पहले तो डॉग्स, डॉग्स तो ऐसे हमारे इंडियंस के लिए जैसे कि बच्चे। और यकीन मानो, लोग बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ जो बच्चों से ज्यादा कुत्तों को प्यार करते हैं, और करना भी क्यों चाहिए, क्योंकि कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं बच्चों से। उसके अलावा मूवी का जो म्यूजिक है वो काफी ग्राउंडेड नजर आता है। ये फालतू के जो हॉलीवुड वाले या पॉप कल्चर को फॉलो नहीं करते साउथ वाले, ये लोग काफी लोग ऐसी म्यूजिक डालते हैं जिससे ऑडियंस वो इमोशंस उस सीन्स के फील करे। उनकी म्यूजिक इतनी अच्छी होती है जो सीधा आपके दिल में घुस जाती है। फिर आप मूवी में आपको मेहनत नजर आती है, स्पेशली लीड एक्टर रक्षित शेट्टी की। अगर आप लोग ट्रेलर को गौर से देखे होंगे तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब स्टार्टिंग के उनके गेटअप देखो और लास्ट के उनके गेटअप देखो, वो समझ में आता है कि बंदे ने कितनी मेहनत की, कितने एफर्ट्स डाले हैं इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर। और अगर बॉलीवुड वालों की बात करें तो देखा जाए पृथ्वीराज चौहान, कुछ गेटअप नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि वो हाउसफुल की शूटिंग करते दौरान उन्होंने पृथ्वीराज को भी निपटा दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे भाई, कम से कम आप मेहनत तो करो किसी पर्टिकुलर मूवी को लेकर, तो ऑडियंस को तब तो समझ में आएगा कि हाँ भाई वो उस कैरेक्टर को जिया है। ये नहीं कि बस आया, बस निपटा लिया और चले गए। उसके और ट्रेलर को देखकर मूवी की कहानी समझ में आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा भी नहीं, लेकिन एडिट ट्रेलर को बहुत अच्छी तरह से, कि जो आपको थ्रिल, वो आपको इमोशन, जो आपको गूज बम्प से लेकर आता है, जिस तरह से वो चार्ली 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 चिल्लाता है पूरे ट्रेलर में, वो तो भाई एक एकदम पूरी रोंगटे खड़े कर देता बॉडी के। ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि यार येट अगेन साउथ वालों ने, कन्नड़ इंडस्ट्री वालों ने मुझे शॉक किया एक ऐसी मूवी लेकर आकर, जिसके बारे में मैं एक्साइटेड था लेकिन इतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई एम डैम श्योर इस पर्टिकुलर मूवी में भी वो दम है कि हिंदी बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तहस महस करने का। अब बाकी तो आप लोग मुझे बता दो कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और ऐसी मूवी बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती है या कभी बन पाएगी फ्यूचर में, बता दो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।